गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। एक ऐसे स्कूल के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जाह्नवी पढ़ने के लिए आती है और उसको पढ़ाने के लिए वहाँ पर दो टीचर आते हैं। चलिए जानते हैं कौन सा स्कूल है, ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में नजर डालते हैं। आपको भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा अलग है ये मामला। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। गाया के मांसा बिगहा प्राइमरी स्कूल से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर जाह्नवी अकेली पढ़ने के लिए जाती है और वहां पर दो टीचर है। ये जो स्कूल है दो मंजिली बना हुआ है, इसमें चार क्लासेस बनी हुई है और उसमें दो टीचर्स जो आते हैं। जब हमने उनसे बात की तब उन्होंने ये चीज बताया कि यहाँ पर ये जो है स्कूल, ये सरकारी स्कूल है, उसके आजू बाजू के जो बच्चे हैं वो लोग बड़े स्कूल्स में जाना चाहते हैं और इसीलिए वो लोग बड़े स्कूल्स में जाते हैं क्योंकि आजू बाजू में काफी बड़े स्कूल और प्राइवेट स्कूल ओपन हो चुके हैं। हम काफी बार घर घर जाके लोगों को जागरूक करते हैं कि वो एटलीस्ट, अगर वो बड़े स्कूल अपने बच्चे को भेज नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट वो सरकारी स्कूल में उनको भेजे। पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि सरकारी स्कूल में भी भेजना नहीं चाहते और प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, पर वहां पर वो लोग भेज नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसा उतना नहीं है। पर यहाँ पर जो जाह्नवी है, जाह्नवी तीसरी कक्षा में पढ़ती है और वो तीसरी कक्षा में सिर्फ अकेली ही स्टूडेंट है जो कि वहां पर पढ़ाई करने के लिए आती है और उसके माँ बाप उसको वहां पर भेजते हैं। ये चीज देखते हुए वहां के जो प्रशासन था, स्कूल के जो लोग हैं, उन्होंने जाह्नवी के लिए हर एक फैसिलिटीज वहां पर रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि जाह्नवी अकेली है तो उसको कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, उसको हर एक उससे जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं उसे अकेली के लिए वहां पर ऑर्गेनाइज कराया जाता है। उसको जो मील्स रहती है जो कि सरकार की तरफ से मिलता है बच्चों को, उसको मील भी प्रोवाइड करवाई जाती है, उसको पुस्तक भी प्रोवाइड करवाई जाती है, उसको हर एक विषय के ऊपर उसको जो ज्ञान है वो दिया जाता है। और जाह्नवी भी काफी ज्यादा खुश है और वो चाहती है कि उसके साथ भी और बच्चे आए और वहां पर पढ़े। तो आई होप गाइस आप लोगों को जाह्नवी के बारे में जान के अच्छा लगा होगा और हमारे जो कि देश के जो स्कूल है वो जागरूक कर रहे हैं लोगों को। और एक्चुअली जो लोग है, सरकारी स्कूल भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है। अगर पैसा नहीं है तो सरकारी स्कूल में एटलीस्ट जितनी भी शिक्षा मिलती है वहां पर तो बच्चों को भेजना चाहिए। तो गाइस आप बताइए कि शिक्षा आपके जीवन में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताते हुए जरूर जाइए। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।